जय माता दी मित्रों, माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट दिसंबर 2021। कर्क लग्न के जातकों के लिए दिसंबर माह का मासिक फल, आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लग्न कुंडली के अंतर्गत लग्न में चार नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, क्योंकि भविष्य कथन लग्न से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लग्न कुंडली को देखना है और वहां पर देखना है कि लग्न में क्या चार नंबर लिखा हुआ है या नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न के बारे में। देखिए, कर्क लग्न एक जल तत्व लग्न है, चर लग्न है। इस लग्न के जातक अथवा जातिकाएं भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशंस होते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर, प्रेम का भाव, ममता का भाव, दया का भाव, रहम का भाव इस लग्न के जातक अथवा जातिकाओं में पाया जाता है। साथ ही ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इनकी देखभाल करे, कोई व्यक्ति केयर करे इनकी, इस तरीके का गुण अर्थात मातृत्व गुण इन व्यक्तियों में पाया जाता है। ये स्वयं भी चाहते हैं और स्वयं भी दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति करे। साथ ही साथ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, विदेशों से इनका संबंध आता है। इस तरीके का जीवन इस तरीके कर्क लग्न के जातक अथवा जातिकाओं का पाया जाता है और डॉक्टर इत्यादि की भी कर्क लग्न ये देखे गए हैं, ऐसी कुंडली होती है। अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर माह के अंतर्गत, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी गुरु का गोचर, जो कि 21 नवंबर से ही अष्टम भाव में गुरु गए हुए हैं। साथ ही साथ बुध भी केतु के साथ पंचम भाव में है, पंचम भाव में। वह स्थिति अच्छी कही जाएगी, लेकिन वहाँ पर केतु का भी इफेक्ट देखा गया है। तो ये स्थिति बताती है कि आपको इस माह के अंतर्गत निर्णय लेते वक्त सावधान रहना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको चार बार सोचना चाहिए। साथ ही किसी की सलाह, किसी विशेष व्यक्ति जो इसका आपके जीवन में अत्यधिक महत्व है, उसकी सलाह लेकर आप अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपसे गलत निर्णय लेने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई पड़ती है, तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और साथ ही साथ गुरु जैसे ग्रह अष्टम भाव के अंतर्गत, ये एक समाधि स्थान है। यहाँ पर आप अगर आध्यात्मिक है, धार्मिक है, तो आप अपने कार्यों में उन्नति कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाग्य का स्वामी भी अपने से 12वें होकर अष्टम में गया है। शनि की भी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, जो कि व्यक्ति में उदासीनता, विरक्ति की भावना, इस तरीके की चीज़ें ले आती है। कार्य उससे विलंबित होने लग जाते हैं, जिसके साथ मन में एक दुख की स्थिति व्यक्ति की बन जाती है और व्यक्ति को काफ़ी हार्डवर्क, काफी कठिन परिश्रम व्यक्ति को करना पड़ता है, अर्थात संघर्ष व्यक्ति का साथी बना हुआ है। व्यक्ति जितना अधिक मेहनत कर रहा है उतना अधिक उसको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति अब ये जो माह चल रहा है इसके अंतर्गत आपको मिल सकती है। लेकिन ये जो वर्क रहेगा, ये जो आप परमानेंट जिस कार्य में वर्क को कर रहे हैं, जॉब को कर रहे हैं, उसमें अधिक स्थिति दिखेगी। इसी के साथ इस माह के अंतर्गत कुछ हद तक हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो आपको एक सडन गेन जैसी स्थिति भी आपको मिल सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपको आगे चलकर सडन गेन, आपको अचानक से ही वो बहुत अधिक लाभ मिल सके उन सब चीजों का, ऐसी स्थिति भी यहां पर बनती है। क्योंकि राहु भी आपके एकादश भाव में, जो कि अकस्मात धन लाभ की स्थिति, अकस्मात आपको प्रॉपर्टी से भी अचानक से लाभ हो सकता है इस माह के अंतर्गत। कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का अगर किसी तरीके का कार्य करते हैं आप, तो प्रॉपर्टी के केस में भी आपको सडन गेन आपको हो सकता है, ऐसी स्थिति भी यहां पर दिखती है। इसी के साथ देखिए गुरु का प्रभाव आपको मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना, समाधि, किसी तरीके का ध्यान अगर आप करते हैं, मेडिटेशन आप करते हैं, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए, आध्यात्मिक गुप्त ज्ञान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फेवरेबल रहेगा। साथ ही साथ रिसर्च कार्य के लिए भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इसी के साथ गुरु की पांचवी दृष्टि और साथ ही बुध की भी दृष्टि आगे यहाँ पर कह सकते हैं 10 दिसंबर के बाद बुध की भी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो व्यय की स्थिति और साथ ही साथ मंगल की भी 8वीं दृष्टि रहेगी। देखिए व्यय को, खर्चे को लगाम आपको देना ही पड़ेगा और गुरु का प्रभाव आध्यात्मिक रूप से धार्मिक कार्य पर भी खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती है। विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेश से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जो व्यक्ति आपसे परे हैं, आपसे दूसरे हैं, उनसे थोड़ा सा झगड़े होने की संभावना बन सकती है। थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके इस समय बुद्धि भाव पर सूर्य मंगल ग्रह का जो गोचर रहेगा 16 दिसंबर तक, खास तौर पे सूर्य के प्रभाव, और गर्भवती महिलाओं को भी 16 दिसंबर तक तो विशेष रूप से सावधान रहना है, अन्यथा उसके बाद भी मंगल का प्रभाव तो चलेगा ही, क्योंकि मंगल 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से किसी ना किसी, मतलब डॉक्टर की, जिसकी भी आप
कैलेंडर में हैं, तो वहाँ पर आप सलाह देते लेते रहिए उनसे, और सावधान रहिए, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए इस समय के अंतर्गत। साथ ही साथ मंगल की भी आठवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, तो लाभ के लिए साधन खोलते रहेंगे ही आपके लिए। विशेष रूप से काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद लाभ की स्थिति बनती दिखाई देगी, लेकिन प्रॉपर्टी के केस में आपको सडन तरीके से लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ चतुर्थ दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप किसी तरीके के अध्यात्म में विरक्ति के साथ एक अपने आप को स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर आप निकल पड़ते हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप से अपनी उन्नति करना चाहते हैं, अपने आप को स्वयं को जानना चाहते हैं, और इस तरीके की स्थिति के लिए यहाँ पर एक अच्छे आपके पराक्रम होते हुए दिखाई देंगे, ये स्थिति कह सकते हैं। और थोड़ा सा बौद्धिक रूप से आपकी क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन आपका जो है निर्णय आपको अचानक से सडन तरीके से नहीं लेने हैं, धैर्य के साथ निर्णय लेने हैं, और किसी से पूछ कर, मतलब किसी की सलाह लेकर आपको कार्य करना है। साथ ही साथ थोड़ा सा गर्म मिजाज आपका इस समय के अंतर्गत हो सकता है, अर्थात आपके सर दर्द की भी शिकायत रह सकती है, और या फिर सिर में गर्मी उठना, इस तरीके की स्थिति, थोड़ा गर्म रहना ऐसी स्थिति, गुस्सा आदि आना ऐसी स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ देखिए सूर्य का प्रभाव जो कि 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेंगे, आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनकर, साथ ही साथ बुध भी रहेंगे, इसी के साथ आप यहां पे कह सकते हैं कि आपका जो संचित धन है या आपका अधिक खर्चा इस माह के अंतर्गत आपके प्रेम संबंधों पर हो सकता है, संतान पर हो सकता है, ज्ञान के कार्यों पर हो सकता है, ज्ञान शिक्षा इन सब कार्यों पर आपका जो है अधिक धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसी के साथ आप आकस्मिक धन लाभ की इच्छा से भी अपना धन यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी भी स्थिति दिखती है, जिससे आगे चलकर आपको लाभ ही प्राप्त होगा, ये यहाँ पर पता लगता है। इसी के साथ सूर्य का जो प्रभाव आपके संतान है, आपके बच्चे की हम बात कर रहे हैं या फिर प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक अहंकार की स्थिति बना सकता है, स्वाभिमान की स्थिति बना सकता है, जिसके कारण आपके उनके साथ और मंगल का प्रभाव उनके साथ वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है, तो उनके क्रोध में वृद्धि हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आप अपने लव पार्टनर को देखते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव दिख सकता है इस समय के अंतर्गत, थोड़ा उसमें ईगो अहंकार दिख सकता है, और ऐसी ही प्रकार आप अपने संतान को भी देखते हैं, तो ऐसी स्थिति वहाँ पर भी आपको दिखाई दे सकती है। इस माह के अंतर्गत आपको अपने ज्ञान पर भी अहंकार आ सकता है, ऐसी स्थिति भी आपको हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे को बहुत कुछ आता है, या फिर इस तरीके की स्थिति है, मतलब अपने नॉलेज को लेकर भी थोड़ा आप स्वाभिमानी स्थिति में आ सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही इस माह के अंतर्गत अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपने बच्चों का और अपने प्रेमी प्रेमिका जो भी है उनका जो है उनकी आज्ञा का पालन या उनकी जो भी बातें उनको मानना स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर फिर वे आपसे जो है दूरियाँ बना सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए। और इसी के साथ देखिए बुध आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी है, व्यय भाव के भी स्वामी है, तो हमने बताया भी है कि आपका अधिक से अधिक धन खर्च हो सकता है, और उनके प्रति आपका पराक्रम भी जारी रहेगा, मेहनत आपके प्रयास अत्यधिक मिलेंगे, साथ ही साथ कम्युनिकेशन आपका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, और वाणी के माध्यम से आप अपने ज्ञान के क्षेत्र में कुछ हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी कंपटीशन आपके जीवन में आए इस माह के अंतर्गत जिसमें आपकी वाणी का अधिक प्रयोग हो, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप एक अच्छे रिजल्ट के साथ आप मतलब विजयी रहेंगे, ऐसी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। और ये प्रभाव रहेगा कम्युनिकेशन माध्यम, सोशल मीडिया, न्यूज, इंटरनेट, इन सब इत्यादि संचार माध्यमों से भी आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखती है। साथ ही साथ कमीशन से अगर आप किसी तरीके का ऐसे कार्य करते हैं तो वहां पर भी आप लाभ ले सकते हैं, ये स्थिति दिखती है। इसके 16 दिसंबर के बाद विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में आप उन्नति कर सकते हैं, और कोई ऐसे कंपटीशन वगैरह आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है। साथ ही साथ नौकरों को लेकर चिंतित रह सकते हैं, अगर आप व्यापारी हैं और नौकर चाकर आपने रखे हुए हैं, या घर परिवार के अंतर्गत भी आपके नौकर चाकर हैं, तो वहां पर नौकरों को लेकर चिंतित रह सकते हैं, उनके स्वाभिमानी रूप से उनकी वृद्धि होगी, साथ ही वे अपनी पावर को दिखाते हुए नजर आएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मामा मौसी की भी बातों का आपको मानना विशेष रूप से यहाँ पर आपका उत्तरदायी बन सकता है, अर्थात उनके आदेशों का पालन करना आपकी मजबूरी भी हो सकती है, अन्यथा वहाँ पर आपके संबंधों में समस्याएं बन सकती है, ऐसी स्थिति दिख सकती है। साथ ही साथ थोड़ा फीवर होने की आपको मतलब ये संभावनाएं रह सकती हैं, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का भी इस माह के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ देखिए आपका चतुर्थेश और लाभ भाव के स्वामी का संबंध आपके सप्तम भाव से बना हुआ है, शुक्र का प्रभाव। देखिए यहाँ पर एक बात तय है कि अभी तक अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी विचलन जैसी स्थिति, काफ़ी उदासीनता, काफ़ी इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, तो वहीं शुक्र का प्रभाव वो खुशी आपके जीवन में लेकर आ सकता है, प्रसन्नता का भाव
आपके जीवन में ला सकता है, क्योंकि शुक्र की शनि की दृष्टि जैसे लगन पर पड़ रही थी, इसी तरह शुक्र की दृष्टि जैसे लगन पर पड़ेगी तो आपके आपका मन जो है खुश रह सकता है कह सकते हैं। साथ ही साथ बौद्धिक रूप से आप खुश प्रसन्न रह सकते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव कार्य आपको करते नजर आएंगे और जनता में प्रेम बांटते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप सोशल मतलब यहाँ पर सामाजिक तौर पर कुछ ऐसे कार्य करते नजर आए जिससे सामने वाले व्यक्ति जो है आपसे खुश होते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ आपके व्यापारिक तौर पर आपके जीवन साथी का आपको साथ मिल सकता है, जिसमें कि अगर आपके पत्नी की हम बात करें तो उनका साथ मिल सकता है, या स्त्री पक्ष से आपको विशेष रूप से लाभ आपको मिल सकता है, और क्रिएटिव कार्यों वर्क से आपको विशेष रूप से लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखें यहाँ पर शुभ दिनों की बात करें तो 1 से 3, 11 से 13, 13 से 16, 21 से 23, 23 से 26, 28 से 23 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। और अशुभ दिनों की बात करें 5 से 7, 9 से 11 और 18 से 21 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। किसी तरीके का झगड़े का संबंध आ सकता है, परेशानी का संबंध, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति इस समय के अंतर्गत हो सकती है। देखिए ये बात तय है कि अभी आपका बहुत हार्डवर्क का समय रहेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको मन लगाकर करते रहिए आगे चलकर, जैसे कि आपने ईयरली प्रेडिक्शन में भी देखा होगा, वहाँ पे हमने बताया भी है, तो आगे चलकर इन सभी हार्डवर्क का जो भी आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं उसका परिणाम आपको आगे चलकर अवश्य प्राप्त होगा। और इसी के साथ दशा अंतरदशा का भी अच्छा होना यहाँ पर मान्य है कि अगर अभी आपके अनुकूल चल रही हैं तो गोचर का परिणाम आपको अवश्य जो पॉजिटिव रिजल्ट है अवश्य आपको मिलेगा। इसी के साथ यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा 5 से 7, 9 से 11, ये अकस्मात रूप से अचानक से यात्रा हो सकते हैं। आप अगर एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 7 से 9 का दिन विशेष रहेगा, धार्मिक यात्रा तीर्थयात्रा अनुष्ठान कोई करना चाहते हैं 11 से 13 का दिन शुभ रहेगा, अस्पताल पर यह व्यय खर्च हो सकता है आपका 18 से 21 का दिन हो सकता है, और कष्ट के साथ एक यात्रा 26 से 28 का दिन हो सकता है। इसी के साथ मार्च माह 19 दिसंबर तक, इसके बाद पौष माह 20 दिसंबर से 17 जनवरी 2022, अमावस्या इस माह के अंतर्गत 4 दिसंबर 2021 की है, टाइमिंग हमने यहाँ पर बताई हुआ है। उपाय के तौर पर आपको क्या उपाय आपको करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेष तौर पर पंचम भाव इस समय एक्टिवेशन में रहेगा, तो स्वयं पर नियंत्रण रखिए, अपने प्रेम संबंधों अपने संतान के साथ संबंधों में सावधान रहिएगा, और ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष प्राक्रम आप कर सकते हैं। जो अगर आप किसी भी तरीके से विद्याध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप विशेष प्राक्रम करके आप अपना एक अच्छा स्थान बना सकते हैं, ये स्थिति यहां पर दिखाई देती है। इसमें कोई भी आपको डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।